नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि जो भी लेटेस्ट जो अपडेट रहेंगे मैं आपके साथ जो है टाइम टू टाइम साझा करता रहूंगा। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि एचपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा जो है जेबीटी बैच वाइज रिक्रूटमेंट की जा रही है, और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पूरे स्टेट में की जा रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। तो जो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैं वहां से अलग अलग नोटिफिकेशन जो है इसके लिए जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस डेट को जो है वो जेबीटी बैच वाइज की जो है काउंसलिंग होगी। लेकिन इसमें ये हो रहा था कि जो डेट्स जो हैं वो आपस में क्लैश कर रही थी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें रहती हैं। तो लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो पर्सन एलिजिबल पर्सन जो है कैंडिडेट जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो उस बैच के अंदर आता है तो वहां पे वो काउंसलिंग में अपीयर हो सकता है। जैसे हाल में ही जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हमीरपुर है उनकी अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें लिखा गया था कि जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट होंगे वो 9th of March को जो है काउंसलिंग में अपियर होंगे, और अदर देन हमीरपुर मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा और जो हमारे जिले हैं अगर वहां का जो कैंडिडेट होगा वो 10 मार्च को काउंसलिंग में अपियर होगा। लेकिन क्या हो रहा था कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे काउंसलिंग हो रही है इनकी डेट्स आपस में क्लैश कर रही थी, और इसका लॉस जो था वो कैंडिडेट्स को हो रहा था, क्योंकि एक ही कैंडिडेट सेम डेट को दोनों डिस्ट्रिक्ट में अपियर नहीं हो सकता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा जो है एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है शेड्यूल जारी किया गया है, और ये जो शेड्यूल इस तरह से जारी किया गया है कि एक डेट में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग होगी। तो ये बहुत अच्छा जो है सही स्टेप इनिशिएटिव उठाया है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी अमेंडमेंट्स आती रहेंगी, क्योंकि ये जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है या कोई भी अगर एक्टिविटी होती है उसमें कई एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से भी कई बार कई चेंजेस आते हैं। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो भी चेंज आएगा मैं आपके साथ जो है उसको साझा करता रहूंगा। तो आज जो है आज मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल शीट पे आपको पूरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं 12 के 12 हिमाचल में उनमें कब कब जो है जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग होगी उसकी जो डेट्स जो है उसकी जानकारी मैं आपको आज दूंगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि किन्नौर का जो डेट डेट फॉर काउंसलिंग फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी जो है अभी किन्नौर का जो है वैकेंट है, उसमें अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, और जो उसमें सीएनबी की जो काउंसलिंग होगी उसकी डेट जो है वहां पे 1 मार्च 2023 जो है फिक्स कर दी। अब शिमला की बात करते हैं तो जेबीटी की जो काउंसलिंग होगी बैच वाइज जो है वो शिमला में 3 मार्च को होगी, सोलन को 4 मार्च को होगी, अभी हम लेते हैं सिरमौर में 5th of March 5 मार्च को ये रहेगी, और बिलासपुर के लिए जो डेट रहेगी वो 7th रहेगी, हमीरपुर के लिए 8th रहेगी, ऊना के लिए 9th रहेगी, मंडी के लिए 11th और कुल्लू के लिए 12th of March और लाहौल स्पीति के लिए 14th of March जो रहेगी, और कांगड़ा के लिए जो है ये 15th of March रहेगी, और इसी तरह से चंबा के लिए 18th of March जो है। तो इन जो डेट्स को ही वहां पे काउंसलिंग होगी। आप ये सारे नोट कर लें सो दैट कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप उस बैच में आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट ने अपना नोटिफिकेशन में ये बताया कि कौन सी कैटेगरी का कितने बैच तक का जो कैंडिडेट है वो वहां पे अपीयर हो सकता है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और पूरी आपके पास एलिजिबिलिटी है, जो जेबीटी के जो आरएनपी रूल हैं उनको आप पूरा करते हैं, तो आप जो है जो ये जो डेट्स दी गई हैं इन डेट्स को जाके वहां के जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैं कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के वहां पे आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी बताई थी कि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है उन्होंने एक बायोडाटा फॉर्म भी जारी किया है, तो आपको
वो वाई डाटा फॉर्म जो है भर कर साथ में ले जाना होगा, और साथ में जो उसके रेलिवेंट जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है या आपकी कैटेगरी की जो स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको वहां पे साथ ले जाने होंगे, और पासपोर्ट साइज फोटो भी आप ना ले जाना बोले। तो अभी फिलहाल जो है ये डेट्स जो है अभी डिसाइड की गई है। जिन डिस्ट्रिक्ट ने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और डेट्स अनाउंस कर दी थी वो भी अभी अमेंडमेंट की जो है उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है सारे जो पूरे हिमाचल में जो काउंसलिंग होगी इस शेड्यूल के अनुसार ही होगी। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरे द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको आप पसंद कर रहे हैं वो मेरे को पता चल रहा है, क्योंकि आप जैसे वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं। तो काइंडली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर आपको लगता है कि औरों के लिए भी यूजफुल है तो काइंडली शेयर करें। थैंक यू।